स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो के सौजन्य से आप लोगों को एक बेहतर जानकारी देने जा रहा हूँ। कई सारे लड़के लड़कियाँ आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि जिम करना और खूब डटकर जिम करना, लेकिन आपको पता है इससे बहुत ज़्यादा खतरे बढ़ रहे हैं। लड़कियां बांझ हो सकते हैं, लड़के नपुंसक हो सकते हैं, साथ में आपको शायद पता नहीं है कि जो दिमागी रोग हैं, तनाव है, चिड़चिड़ापन है, याददाश्त का कम होना और हार्ट फेल होने जैसी भयंकर बीमारियां हैवी जिम करने वालों के लिए प्रायः हो जाते हैं। साथ में जैसे जैसे हैवी जिम करने वालों की उम्र बढ़ती है, एक समय आता है कि उनकी झुर्रियाँ ये लटक जाती है, गले की खाल, उनकी बॉडी भी ढीली पड़ जाती है, पेट भी बढ़ जाता है, उनके जो अंडकोश होते हैं ना, हेडोशील से जुड़ी हुई कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अंडकोश उनके लटक जाते हैं एकदम बैगन की तरह। बहुत सी लड़कियाँ बॉडी बनाने के चक्कर में, लड़के बॉडी बनाने के चक्कर में खूब पेल के जिम करते हैं, लेकिन बॉडी तो बन जाती है, ये ऐसे आलू से निकल आते हैं हाथों में, लेकिन लिंग उनका छोटा सा हो जाता है और लिंग से बेकार होने लगते हैं, क्योंकि पूरी ताकत उनकी पूरे शरीर में चली जाती है सिवाय एक लिंग की, वो कसरत नहीं कर पाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है कि लिंग की सेहत को, लिंग की लंबाई चौड़ाई भी आप बढ़ा सकते हैं, उसके लिए एक अलग एक्सरसाइज जो हमारे नागा महात्मा लोग करते हैं वो मैंने उसमें बताया है। खैर, ये तो ये हुआ, और इससे हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और जब जिम छूट जाता है बीमार होने के कारण, बुढ़ापे के कारण, या फिर उचित खान पान ना मिलने के कारण, तो फिर शरीर हो जाता है कद्दू की तरह, एकदम से बोगस हो जाता है, एकदम बादी उनका पेट, ये सब कुछ ऐसे बेडौल हो जाता है, जैसे कि यहाँ से ये सब लटक जाता है। तो भाइयों, आप लोग जो है जिम हैवी मत करना। अगर आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो तो आपको लाइट जिम करना चाहिए, हल्का जिम करना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और यदि आप वास्तव में पहलवानी करना चाह रहे हैं तो एक अलग बात है, क्योंकि उसमें नाम और दाम आपको कमाना है, तो आपको अपने हथियार की, लिंग की कुर्बानी तो देनी पड़ सकती है। मैंने बड़े बड़े पहलवानों को लिंग से बेकार देखा है जो हैवी जिम करते हैं, और वो लोग हमसे दवा मांगते हैं, गाइडलाइन मांगते हैं, क्योंकि सब ताकत तो उनकी चली गई हाथ की बनाने में, शोल्डर बनाने में, और लिंग की एक्सरसाइज तो अभी आई नहीं है तुम्हारी जिम में, समझ रहे हो ना। जिस दिन वो आ जाएगी तब बैलेंस बराबर होगा। ऐसी जो महिलाएं लड़कियां हैं वो जो जिम ज़्यादा करती हैं, तो उनकी बच्चादानी का जो साइज है वो एबनॉर्मल हो जाता है, खिंचाव पड़ जाता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। जॉगिंग सबसे अच्छा है, रनिंग सबसे अच्छा है, स्विमिंग सबसे अच्छा है, योग और प्राणायाम, देसी एक्सरसाइज सबसे अच्छी है, लेकिन वो तो आप करेंगे नहीं, घर पे आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो। उसका कारण यह है तुम निकम्मे हो गए हो, नालायक हो गए हो, हरामखोर हो गए। जिम में जाने पे क्या है, वहाँ लड़कियाँ देखने को मिलती हैं, चार लड़के, अब तो कंबाइंड जिम चल रहा है, लड़कियाँ भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे को देख देख के जोश आता है जिम करने का, कि फला लड़का ज़्यादा उठा रहा है तो उसकी प्रेस्टेज, उसकी इमेज ज़्यादा हो गई लड़कियों की नज़र, मैं भी ज़्यादा वजन उठाऊँगा, पता चली आँत फट गई, ज़्यादा वजन उठाने के चक्कर में कमर से बेकार हो गया, L4 L5 हो गया, समझ लीजिए। तो जिनको कैरियर बनाना है जिम करके, वो एक उचित मार्गदर्शन में लिंग की सेहत का विशेष ध्यान रखते हुए जिम करें तो बेहतर होगा। और जो शौकिया कर रहे हैं कि बॉडी अच्छी होगी तो लड़कियों को फांस लेंगे दिखा दिखा करके, वैसे मैं सही बात बताऊं, जो ज़्यादा जिम करे हुए लड़के हैं, ऐसे लड़कों के लिए मैंने बड़ा डरपोक और दब्बू देखा है। कहीं पे मारपीट होती है ना,
ऐसे लोग घबरा जाते हैं और चिट्टी पुट्टी गुम हो जाती है। और जो हम जैसे पतले दुबले लड़के हैं खींच के चांटा मारते हैं जो है, समझ रहे हो ना। तो दिलावर होना और ये बॉडी के सैंपल ये गेंद की तरह निकाल लेना कट पीस के से आलू की तरह, ये अलग बात है, ये नौटंकी। हाँ कैरियर बनाना है तो ये अच्छी बात है, लेकिन सावधान रहना आपको किस तरह से करना है, अगर कहीं गाइडलाइन की कमी लग रही है। क्योंकि जो बहुत सारे आप इंजेक्शन लगवाते हो, प्रोटीन पाउडर के अंदर जो है फैट को बढ़ाने वाली चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन लिंग को, स्पर्म को, शुक्राणुओं को ये चीज़ जो है डैमेज कर जाती हैं कभी कभी कहीं ना कहीं। तो मैंने 70% लोगों को लिंग से बेकार देखा है, नपुंसकता बढ़ रही लड़कों में जो हैवी जिम कर रहे हैं, और लड़कियों के अंदर बांझपन बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। ओम शांति, ओम क्रांति। आजकल हम ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, एक वीडियो भी बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। भगवान सबका भला करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब निरोगी हों। मेरा उद्देश्य है कि कम से कम आप 70% बीमारियों का अपने घर पर एक्सरसाइज के द्वारा, योग के द्वारा और आयुर्वेद के द्वारा अपना इलाज खुद कर सकें, ताकि आपको डॉक्टरों के यहाँ पर जाकर के लाइन में खड़े होकर के तमाशा ना करना पड़े। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। ओम शांति, ओम क्रांति।